मैं आज बनाने वाली हूँ बड़े ही हेल्दी भटूरे। इन भटूरों के लिए मैंने चक्की आटा यूज किया है। ये नॉर्मल ब्रांडेड आना वाला आटा है, वो थोड़ा फाइन होता है, हमको उसके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैदा डालने की। अगर आपके पास में नॉर्मल चक्की आटा हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, बस उसको छान करके उसका थोड़ा फाइन कर लीजिए। इसके लिए मैं यूज करूंगी, इसमें मैं कोई खमीर नहीं उठाने वाली हूँ, ये मेरा आटा 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ब्रेड। इन ब्रेड से इसमें बहुत बढ़िया सा ये ब्रेड अपने आप में ही खमीर जनरेट कर लेती है और ये बहुत अच्छा और स्मूथ टेक्सचर देता है और ये नो फूल फेल रेसिपी है। इसके हरदम भटूरे बहुत अच्छे टेस्टी और एकदम फूले हुए बनते हैं, आप ये कभी फेल नहीं होती है, मेरी टेस्टर्स एंड ट्राई रेसिपी है। इसमें हमें अब हम अपने ब्रेड को मिल्क से सोक करेंगे। ये मेरी लेफ्ट ओवर ब्रेड है, जो ऊपर की और नीचे की ब्रेड होती है जिनको कोई नहीं खाना चाहता है, मैं उनको बचा के रख लेती हूँ अपने भटूरे बनाने के लिए। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। देखिए इसमें लगभग एक हाफ ग्लास दूध पड़ेगा। हमको अपनी ब्रेड को अच्छे तरीके से इस दूध में डुबा देना है। अब मैं इसमें डुबा करके रख दूंगी 20 मिनट के लिए, ताकि हमारी ब्रेड अच्छे से गल जाए और इसका ईस्ट एक्टिव हो जाए। इसमें जो ब्रेड में ईस्ट ब्रेड बनाने में ईस्ट डाला जाता है वो एक्टिव हो जाए। और इसको अच्छे से हमने थोड़ा सा गुनगुना दूध मैंने लिया है, अब इसमें मैं रख दूंगी 15-20 मिनट बाद बढ़िया से रेडी हो जाएगा। फिर मैं अपने भटूरों का आटा लगाऊंगी। हमें भटूरों में कुछ मोहन नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, बस मैं इसमें लगभग दो बड़े चम्मच दही डालूंगी। बस इसको गूथूंगी और गूथने के बाद 1 घंटे के लिए हम आटे को छोड़ देंगे और हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो जाएगा बढ़िया से भटूरे बनने के लिए। अब हम लगाते हैं अपने भटूरों का आटा। ये मैंने नॉर्मली आटा लिया है, जैसे मैंने पहले कहा था। इसमें मैं डालूंगी नमक, ये मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है। इसमें डालेंगी मैंने 2 टीस्पून दही लिया है, एक नॉर्मल दही है। अब इसमें मैं अपने जो मैंने ब्रेड सोक करी थी मिल्क में, इससे इसको गूथ लूंगी। हमें बहुत ज्यादा सख्त आटा नहीं चाहिए, जितना हम रोटी में आटा जितना हम रोटी का आटा लेते हैं, बस उससे थोड़ा सा ही सख्त आटा लेंगे हम। पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमको पानी की जरूरत पड़े तो आप पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए हमारा आटा एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है, देखिए एकदम सॉफ्ट है, बस जैसे रोटी का आटा मारते हैं उतना ही मारा है मैंने इसे। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको मैं लगभग 45 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। इसके बाद हमारा भटूरे का आटा एकदम रेडी हो जाएगा भटूरे तलने के लिए। देखिए हमारा भटूरे का बैटर अच्छे से राइस कर गया है। अब हमने इसको लगभग 1 घंटे के लिए रखा था, अब इससे हम भटूरा बनाएंगे। ऐसे एक डो लेंगे, इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे। देखिए एकदम सॉफ्ट बढ़िया सा डो बना है। मैंने अपना ऑयल हीट होने के लिए रख दिया है।